फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्रियॉन शेडिंग। तो इसमें आप सबसे पहले कोई भी एक पिक ड्रॉ कर लो, और मैंने पेंसिल से एक पियर की पिक ड्रॉ की है। तो उसमें आपने क्या करना है, सिंपली पहले आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप सीधा ब्लैक मार्कर से ड्रॉ करिए, और उसके बाद आपने सीधा सिंपली एक क्रियॉन लेना है ब्लैक कलर का, और उससे आपने शेडिंग करनी है। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगी, वो शेडिंग आप पेंसिल से भी कर सकते हो तो उसको हम पेंसिल शेडिंग बोलेंगे, लेकिन मैं आपको आज क्रियॉन से बता रही हूँ शेडिंग कैसे करते हैं। तो सिंपली मैंने एक पियर की पिक ड्रॉ की है, जैसे कि आप देख रहे हो, और ये एक पत्ती ड्रॉ की है। छोटे बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको, और अगर आप सिखाते हैं अपनी क्लास में, टीचर हैं, तो आप अपने बच्चों को सिंपली बड़े इजी तरीके से सिखा सकते हैं। देखिए, मैंने ब्लैक क्रियॉन ले लिया है। तो सिंपली आपने जो भी मतलब उसका ड्रॉ किया है, उस लाइन के सरफेस से आपने शेडिंग करनी शुरू करनी है। चाहे तो आप सीधे रख के भी कर सकते हो पिक्चर को, और अगर आपको सीधे से आपको सफाई से नहीं करना आ रहा तो आप पेज को टेढ़ा भी कर सकते हैं। आपने दोनों तरफ से शेडिंग करनी है। ऊपर से भी, और जो भी पिक बनाई है आपने उसके साइड से, और ऐसे टेढ़ा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। लाइंस में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता दिखने में। इस तरह से पूरी पिक को आपने शेडिंग दे देनी है। क्रियॉन आपका एकदम शार्प होना चाहिए, तभी सफाई से शेडिंग होगी। पेंसिल से भी आप सेम ऐसे ही इसी मेथड से कर सकते हैं। और पत्ती में भी आप एक तरफ से भी शेडिंग दे सकते हैं, दोनों तरफ से भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जैसे आपको सुंदर लगे। कैसे लग रहा है फ्रेंड्स आपको? अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। Oh,